हे दोस्तों, मेरा एक व्यूवर है जिन्होंने पूछा है, सर इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? आई गो टू कॉलेज और आई गो टू द कॉलेज, सिमिलरली आई गो टू हॉस्पिटल या आई गो टू द हॉस्पिटल, कौन सा वाला करेक्ट है? क्या दोनों ही करेक्ट है? तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, लेकिन दोनों का मीनिंग टोटली डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। और वो मीनिंग क्या है, तो आइए हम लोग वीडियो के थ्रू जानते हैं। यू आर वॉचिंग यूएससी स्पोकन क्लासेस, हियर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ लेसन। तो मैं आपको बता दूं, पहला वाला जो सेंटेंस है, आई गो टू कॉलेज या आई गो टू हॉस्पिटल या नहीं तो ही गोज टू ऑफिस, यहाँ पर आर्टिकल द नहीं आया है। सपोज दैट मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, आई गो टू कॉलेज या आई गो टू द कॉलेज। तो मैं अगर कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मैं बोलूंगा आई गो टू कॉलेज, तो ये सेंटेंस मेरा करेक्ट है, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मैं कॉलेज पढ़ाई करने जाता हूँ। सपोज दैट आपके डैड प्रोफेसर से मिलने जाते हैं, तो आपके डैड तो कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो इस केस में आपके डैड बोलेंगे आई गो टू द कॉलेज, आई गो टू द कॉलेज। इसका कहने का मतलब है आपके डैड जो हैं उसी दूसरे काम से कॉलेज जाते हैं, ठीक है। अगर पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए जाएंगे तो टू आएगा, आई गो टू कॉलेज या ही गोज टू कॉलेज, इस तरीके से बिना आर्टिकल का। अगर वो किसी दूसरे काम से जाएगा तो द लगाएंगे, जैसे कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ कॉलेज में तो बोलूंगा आई गो टू द कॉलेज, किसी दूसरे काम से जाता हूँ किसी को लेकर के एडमिशन करवाने के लिए, तो वहां पर मैं द वाला यूज करूंगा। उसी तरह से आई गो टू हॉस्पिटल, इसका मतलब हुआ कि मैं बीमार हूँ और मैं इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो जब आप बीमार हो तो वहां पर द नहीं आएगा। अगर आप किसी और काम से जा रहे हैं, सपोज दैट आपके गांव से या आपका कोई रिलेटिव बीमार है तो उसको आप देखने जा रहे हैं, तो बोलेंगे आई गो टू द हॉस्पिटल, आई गो टू द हॉस्पिटल या आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर द वाला आएगा, क्योंकि आप इलाज करवाने नहीं जा रहे हैं या जो आप बीमार नहीं है, आप किसी को देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल, ऐसे ही जा रहे हैं किसी फ्रेंड को लेकर के, तो वहां पर द वाला यूज कीजिएगा। आई होप आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा। सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।